नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आग लगने से 80 लाख की पराली जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल जिला के कस्बा पुंडरी में कैथल करनाल रोड के नजदीक लगी पराली में आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और लाखों रुपए की पराली जलकर स्वाह हो गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। आग लगने की मिलते ही सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट चुकी। आग देखते ही देखते चारों तरफ 4 और अन्य स्टॉक थे उनमें भी लग गई और लगभग 20,000 क्विंटल पराली जो वहां मौके पर थी वो जलकर राख हो गई। इससे प्रशासन को भी डर था कि कहीं आग खेतों की में खड़ी फसल यानी गेहूं की फसल इस समय पकने की कगार पर है और वह चपेट में ना जाए, इसलिए प्रशासन द्वारा आग बुझाने के लिए और आग को बढ़ने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इतनी भयंकर रूप से लगी आग की सूचना पाकर के प्रशासनिक अधिकारी SP कैथल वसीम अकरम और DSP कृष्ण कुमार, तहसीलदार चेतना चौधरी, नायब तहसीलदार बोधराज, थाना प्रभारी पुंडरी व और अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे मौके पर पहुँच गए। पुलिस प्रशासन के लगभग 60 जवान भी मौके पर पहुँचे थे। गुजरात के व्यापारी भार्गव लिमासीवासी द्वारा खरीद करके गुजरात सप्लाई करने के लिए पराली का स्टॉक लगाया गया था। वहीं पराली की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है।